नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। आज के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ मेधा और मेरे साथ है शेखर। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में नांदसी गांव में एक पोलिंग बूथ पर होगा पुनर्मतदान। कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक की जाएगी वोटिंग। मुख्य सचिव ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से किया संवाद। रोडवेज की 306वीं बोर्ड बैठक में वर्ष 2022-23 के अंकेक्षित वार्षिक लेखों का हुआ अनुमोदन। निरीक्षण परिणामों की भी हुई समीक्षा। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान के अजमेर लोकसभा क्षेत्र में नांदसी गांव के एक पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान के निर्देश जारी किए हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण के दौरान 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 195 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांदसी के कमरा नंबर 1 में स्थित बूथ पर दोबारा मतदान कल यानी 2 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। श्री गुप्ता ने कहा कि निर्वाचन विभाग ने आयोग के निर्देशानुसार पुनर्मतदान की सभी तैयारियां कर ली हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण, साफ नियत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अवसर देती है। इसका लाभ उठाकर सदा सीखने की ललक रहनी चाहिए। उन्हें आमजन के जीवन को बेहतर और सरल बनाने के लिए बिना अहम के नई संभावनाओं को तराशते रहना चाहिए। ये कहना है मुख्य सचिव सुधांश पंत का। मुख्य सचिव ने आज शासन सचिवालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा 2023 के बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने प्रशिक्षु अधिकारियों से परिचय कर उनसे उनके अनुभव पूछे। मुख्य सचिव ने भी इन अधिकारियों के साथ डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के अपने अनुभव साझा किए। मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान विविधताओं से भरा प्रदेश है, जहां नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, खनिज, पेयजल, सिंचाई के क्षेत्र में चुनौतियों के साथ साथ संभावनाएं भी मौजूद हैं। इस दिशा में हम प्रदेश के विकास की सोच के साथ आगे बढ़कर काम कर सकते हैं। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 306वीं संचालन मंडल बैठक मंगलवार को रोडवेज मुख्यालय पर निगम अध्यक्ष श्रेया गुहा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, अंकेक्षित लेखों का निगम संचालक मंडल ने अनुमोदन किया। बैठक में राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार निगम और संवेदकों के मध्य संपादित किए जाने वाले सभी प्रकार के संविदात्मक करारों पर चर्चा की गई और आपसी मतभेदों के निपटारे के लिए मध्यस्थता के प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। संचालक मंडल ने स्पष्ट किया कि भविष्य में किए जाने वाले सभी संविदात्मक करारों में मध्यस्थता से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं रखा जाएगा। इसके साथ ही निगम संचालक मंडल की गत सभाओं में लिए गए निर्णयों की भी क्रियान्विति की समीक्षा की गई। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सत्र 2024-25 में कक्षा 1 से 7 तक के प्रवेश के लिए 7 अप्रैल से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 मई है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए गए हैं। इस बारे में अजमेर जिले के भुनाबाय महात्मा गांधी विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश गुड़ेश्वर ने बताया कि आवेदन पत्र विद्यालय समय में विद्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ विद्यार्थी को माता पिता के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जन आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ममता कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और पिछली कक्षा उत्तीर्ण किए जाने के अंक तालिका की प्रति लगाना आवश्यक होगा। आपको बता दें कि रिक्त सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी निकालकर प्रवेश दिया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। इस उपलक्ष्य में विभिन्न जिलों में मजदूर वर्ग को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी क्रम में बूंदी के राजकीय नूतन माध्यमिक विद्यालय चौगान गेट से जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें स्लोगन के माध्यम से श्रमिकों को जागरूक किया गया। जागरूकता रैली में शामिल स्काउट गाइड और स्कूली छात्र छात्राओं ने मजदूरों दुनिया को एक करो, एक करो, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान और हालातों से मजबूर है सब, इस जिंदगी के मजदूर है सब, ऐसे स्लोगन लिखी हुई तख्तियों से संदेश प्रसारित किए। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।